喂，谁给他喂？你小给。वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ चेसलैंड। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, एपिसोड नंबर 3 में हम अपने वर्ल्ड में हमें एक और बंदा मिला था जिसका नाम था आयशु मर्सी। और इस बंदे ने हमें एक ऐसी बात बताई जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इस बंदे ने हमें बताया कि हमें इस वर्ल्ड में उसे एक वर्ल्ड में किंगडम मिला था। ये बात सुनते ही हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। फिर हमने इरादा किया कि हम उस आयशु मर्सी को फॉलो करके उस किंगडम में जाएंगे और देखेंगे आखिर उस किंगडम में रह कौन रहे। क्योंकि जैसे ही हम उस किंगडम में गए, रास्ते में ही आयशु मर्सी गायब हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। उसके बाद हमें किंगडम में कासल मिला जिसमें हमें एक स्ट्रेंज मैन मिला जिसका नाम मैं फिलहाल उसको ब्लैक मैन कहती हूँ। उसकी स्किन फुल ब्लैक थी। उस ब्लैक मैन ने हमें कुछ ऐसी न्यूज़ बताई जो सुन के हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसने हमारे वर्ल्ड के बारे में हमें सब कुछ ए टू जी बताया कि ये वर्ल्ड हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या था। और एपिसोड 3 के एंड होते उसने हमें आखिरकार एक बुक दी जिसमें लिखे हुए थे कोड्स गेट ऑफ यूनिटी के। और जिस वो वाला सीन में रिकॉर्ड करना भूल गया था, सो आई एम सॉरी। उसने हमें गाइस वो अलग बुक दी थी जिसमें कोड्स लिखे थे गेट ऑफ यूनिटी के। और उसने हमें कहा था यह बुक सिर्फ एक ही बार खुल सकती है, एक ही बार इसको खोल लेना और इसके बाद क्या होगा ये जानने के लिए अगर आप लोग एक्साइटेड हैं सो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब अ चैनल। और गाइस देखते हैं आज की वीडियो में कि हम गेट ऑफ यूनिटी तक पहुँच पाएंगे और कोरोना चोज वर्ल्ड से ख़त्म कर पाएंगे क्या। हेलो हाँ अभी बना लो। यहाँ पे ये लो आप करना क्या है? ऐसा करते हैं ना, उसे ढूंढने जाते हैं तो अरे यार एक काम यार, वो यहाँ पे आके लाइव हुआ था। रुको आया आया मुझे याद है, इसी जगह बस तकरीबन इधर ही। तो मैं कहता हूँ तुम उस डायरेक्शन में चले जाओ, मैं इस डायरेक्शन में चले जाता हूँ। चलो फिर अगर मिल गया तो मुझे फौरन मैसेज कर देना कि आवाज़ होती तो हमारी आएगी नहीं, टाइप कर देना। ठीक है चल ठीक है मिलते हैं। चलो तो गाइस फाइनली हम यहाँ के लिए निकल चुके हैं, अब देखते हैं मैं मिलेगा या नहीं। काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है आयशु मर्सी को ढूंढना, पता नहीं कैसे गाइस गायब हो गया था। मैं कहाँ पे आ गया? हेलो तुम यहाँ पे कैसे? मुझे भी आ रही है। ओए तू यहाँ कैसे पहुंच गए? यार मैं नहीं आया, इतनी ब्लाइंडनेस लग गई, मैं किधर आ गया कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्लाइंडनेस किसने लगा रहा? लगता है कुछ खतरा इधर आसपास। किधर गए? मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। ओए क्या हुआ ये? ओ ये कौन है? ये बंदा कौन है? आयशु मर्सी ये इधर क्या कर रहे है? हेलो ये बेहोश है लगता है, खून लगा हुआ है भाई। इसका इतना खून निकल गया। हेलो भाई ये बेहोश है, कोई जवाब नहीं देने वाला, बेहोश है। पानी मारो इसे, पानी मारो। एक मिनट मैंने मारा है। हेलो यार अभी भी हल्का होश नहीं आया। वो आ गया। हेलो यार तुम यहाँ कैसे आयो? ये लो खाना लो। यार पहले ऊपर चलो, इसको ऊपर खुली हवा में लेके चलो। आ जाओ ऊपर, चलो आ जाओ। वाटर बकेट पड़ी है? आ जाओ
आ जाओ। ये क्या हो गया? ये रात नहीं है, क्या ये मिक्स? इधर रात है, इधर धूप सुबह है। रुको यार, ये हमारे बड़े को क्या हो रहा है? मुझे भी ऐसा लग रहा है ब्लैक मैंने काफी ज्यादा था, तुम्हें रो पाएगा। तुम्हें नहीं पता करोना उसका, इसको जल्दी पता ही नहीं है कुछ भी वर्ल्ड के बारे में। तो गाइस हमने इसे जल्दी से बता दिया कि क्या हुआ हमारे साथ, हमारे बड़े में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात जो अभी ये स्काई है, इसको क्या हो चुका है कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं यार, उसे ब्लैक मैन ही बोला। तो उसने हमें बताया था कि ये जो कासल है इसके अंदर चले जाना गोला कुछ नहीं कहेंगे, और इस कासल के अंदर आर्मर्स जगह जगह बने पड़े हैं, तो आर्मर्स लेकर मेरी मदद करने आना था। और उसने बोला था गेट ऑफ यूनिटी पे आ जाना, ये जाने देंगे हमें। यार ये एक टाइप का गोलम चाहिए। इधर से देखते हैं, मैं ये रूम तो बंद है, इधर इधर से बाहर निकलो। इधर एक और रूम है, एक और रूम है, इधर आ जाओ। यार ये क्या इतना ओपी कासल है अंदर से। हमें इस वर्ल्ड में पता नहीं हो क्या रहा है यार, आर्मर ढूंढो सब, ऊपर चलते हैं, ऊपर ही होगा होंगे। किधर है भाई? इधर नीचे आओ। किधर? ओए ये डायमंड के भी गोल्ड के भी ले लो भाई, जो सा लेना है। मैं तो डायमंड कर लूंगा यार, पहले अपना आयरन कार में फेंक देता हूँ। यार क्या बात है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। इसे आयरन कार में अपना मिला, इसे नहीं गाइस, फाइनली मैं डायमंड आयरन में हो गया हूँ। यार अब उस बंदे ने जो कॉर्ड्स दिए थे ना, हमें लगता है उन कॉर्ड्स पे बहुत जल्द जाना होगा। मैं कहता थोड़ी सी और प्रिपरेशन करके चलते हैं, अपने अच्छे से पूरे अच्छे टूल नेदरराइट में अपग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, नेदर चलते हैं, माइनिंग करते हैं थोड़ी। हां वहां से चलेंगे फिर, गेट ऑफ यूनिटी पे भी जाना है। और गेट ऑफ यूनिटी कम से कम यहां से 100,000 ब्लॉक दूर है, 100,000 ब्लॉक। यार वो वहीं जाके पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा, इस बुक में सब लिखा हुआ है, लेकिन ये बुक अभी मैं खोल नहीं सकता। और खोलना भी मत, क्योंकि ये एक ही बार सिर्फ खोल सकते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं खोल सकते। वो तो यार मैं स्क्रीनशॉट स्पेयर वाटर बकेट तो नहीं है, 3 आयरन है, लेकिन स्मैश करने वाला आयरन मिल आपको। खैर दे देते हैं वाटर बकेट। यार अब मुझे बताओ हमने क्या करें। यार मैं तो कहता हूँ हमें नजर अपग्रेड हो जाना चाहिए। यार तो मत भाई, हमारा वर्ल्ड आयरन तो मैंने काफी माइन किया था, आयरन मेरे पास ही पड़ा है, लेकिन अब हमें ना बहुत जल्द नेदरराइट में अपग्रेड होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ हमसे कुछ बंदा नेदरराइट माइनिंग करने जाते हैं और बाकी पोशंस की तैयारी करते हैं। हाँ एंचेंटमेंट हम तीनों अलग अलग काम करते हैं, हम तीनों ऐसा करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। एक काम करता हूँ, देखो
हाँ तो तुम नेदरराइट में चले। हाँ तो तुम कहाँ जाओगे चेसर? मैं कहता हूँ मैं तो यार विलेज में जाता हूँ, वहाँ से अच्छी अच्छी बुक्स ढूंढूंगा, एनचैंटमेंट ढूंढूंगा, और हम आयशो मर्सी को वहाँ भेज देते हैं जाके ये पोशंस बना लेगा नेदर में जाके। बल्कि हमें यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड मिल गया, इधर आओ आयशो मर्सी, ब्रूइंग स्टैंड है ठीक है। हाँ ये एक चेस्ट में हाँ कहीं ना कहीं होगा, अगर होगा तो फिर तो हमारा आधा से आधा काम यही हो जाएगा। तुम एक काम करो आयशो मर्सी, यार आप लोग किधर हो, किधर हो आप लोग? और किसी को किसी के वास्ते पाएगी। हाँ ये भी है, जब भूल जाते हैं पता नहीं क्या। आप हो किधर? मैं एक काम करो कार्सल से बाहर एंट्रेंस मारो, मैं तोड़ के बैठ निकलता और मेरे पास फूड कुछ भी नहीं है खाने के लिए, इधर से पकड़ लेता थोड़ा सा चिकन वगैरह ठीक है। तुम बहुत जल्द एक दो दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है सारा, उसके बाद यार मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था यार, रोज फूड दे दो थोड़ा सा। इधर भी कुछ विलेजर जाएं उनसे भी मैं बात करूंगा, अगर वो भी थोड़े सस्ते एमिरेट्स में ट्रेड दे देंगे तो ठीक है, वरना दूसरे विलेज जाना पड़ेगा। ये गेट बंद ना करना क्योंकि फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे। हां हां, ये आ जाओ मेरे साथ, तो हम यहां से जो है ले ले और इस साइड पे थोड़ी स्पाइडर आ गया। मैं थोड़ी ये बेल्ट ले लेता हूं यार, हमें ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और इस बार से कोरोना से खत्म जरूर करना है। यार पता है हमें ब्लैक मैन ने बोला था कि उसको सिर्फ मारना ही करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सलूशन जरूर होता है, हम उसे मार सकते हैं, मैं बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखो अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रही क्योंकि पहले मैं वर्ल्ड से बहुत डर चुका हूँ, जिस तरह के आज तो ये पता नहीं नया, ये हमारा पूरा एक स्काई चेंज हो गया, ये पता नहीं क्या हो एकदम से। इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ रोज चेंज होता रहता है, मेरे पास 41 रेड आ चुकी है। हमें 20 से 25 दिन लगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, हमने काफ़ी अच्छी ग्राइंडिंग कर ली है, हमने अपने लिए माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द बेस्ट पोशन ले लिए हैं, जिनमें से हमने हमारे ये सारा काम आयशी मर्सी भाई ने किया है और बाकी गई सारा नेदरराइट काम हमें प्रोवाइड किया हमारे 12G भाई ने, बहुत अच्छा सामान आ गया और गई इन पर सारे वन ऑफ द बेस्ट एडवांसमेंट सॉरी एनचैंटमेंट्स मैंने लगवाई हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, काफ़ी एक्सपी खर्च हुए पर ट्रेडिंग काफ़ी एक्सपी मिली भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली है गई हमें। और गई अब हम मेन हमारा भी यही एम है कि हम गेट ऑफ यूनिटी पर जाएँ और उसको हम जरूर मारें कोरोना को, काफ़ी ज़्यादा मैं गाइस देखा मैं अच्छा सामान मिल गया। और गाइस देखो ये मेरे वर्ड है पता नहीं क्योंकि मैं गाइस एकदम से मुझे कोई आया है एक बंदा आया है मुझे उस बंदे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैं सीधा बैठा हुआ था, एक बंदा है हमने इधर रिकॉर्डिंग पॉज की थी आया है वो मैं मारा है मुझे उसने एक हिट चला बाकी ने वो चला गया फॉरन गाइब उसने एक हिट मारा देखो मेरा सारा शॉट किस तरह हो गया ये नैदर अटैक और आर्मर देखो और गाइस और हम इसको हटाने की जितनी मर्जी कोशिश करूँ नया आर्मर बना रहा हूँ ऐसा हो रहा है सारा कुछ ऐसा करूँ तो ऐसा हो रहा है जो कि काफ़ी मतलब अजीब सी है। और शील्ड अभी तक मैंने नई नई बनाई शील्ड मेरा ये फिलहाल शील्ड नई बाद में बना लूँगा, तो गाइस अब जल्दी से गेट ऑफ यूनिटी के लिए थोड़ी देर में निकल जाते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ हाँ चलो होगी चलो आ जाओ अभी हमने गेट ऑफ यूनिटी पर जाना ना जाएंगे बुक आपने खोल ली थी बुक मैंने एक्चुअली में एक
स्क्रीनशॉट लेके रखती हूं। हां बस अब वो बुक दोबारा कभी नहीं, क्या दोबारा खुल सकती है? उसने तो कहा था नहीं खुल सकती, बुक दोबारा खुल रही है, मैंने दो बार खोली है यार। ये मुझे सबसे अच्छा यहां का सुंदर लगता है। एक बार ये क्या, ये है क्या वैसे यार? ये जहां पे फाइट करते हैं एरिना या रोम अभी हमने गेट ऑफ यार टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा गेट ऑफ यूनिटी के लिए निकलते हैं। गेट ऑफ यूनिटी पे बहुत आने पीछे आ रहे हैं। यार तुम्हारा भी थैंक, क्या आर्मर दिया है और सामान, कसम से ये सबसे अच्छा काम था आयशो मर्सी ने किया। क्या पोशन पकड़ाए, मजा ही आ गया। ये वॉल एक्चुअली मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये कौन सी वॉल है? ये गेट कौन सा गेट? नंबर गेट नंबर 3 है 4 है? हाँ वहाँ से चलो। किधर गया आयशो मर्सी? वो लगता है उसको कहाँ फिर तो गायब नहीं हो गया, घूम गया यार ये। तो ये वापस आ गया है, पता नहीं कहाँ घूम रहा था घोड़ा, इसका दिमाग जब से ये गिरा है घूमा हुआ है। इसको बहुत जल्द हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, पता नहीं मैं कौन सा डॉक्टर मिलेगा। गेट नंबर 4 किधर है? आगे आगे यार, ये किंगडम काफी प्यारा है एक्चुअली। पूरा किंगडम ही एक बार किया है मेरे पास टाइम ही नहीं मिला यार। वो फ्लैग लगे हैं, पोलैंड के फ्लैग लग रहे हैं हमारे, रेड किंगडम के फ्लैग है ना इधर। अच्छा एक्चुअली विलेज भी है यार। गेट से छोड़ा, इधर से बाहर निकल जाओ। गेट से क्या जाना है, वाटर पर मार के निकलो। चलो प्रो प्लेयर है इधर भी। ये वो सेम ये वही वाले गोलम, खतरनाक वाले गोलम हैं यार ये किंगडम पे भी। अच्छा जल्दी हमें लेके वहां चलो, बस पीछे आते जो एक लॉक आई थिंक हम इधर से कम 50 दिन में पहुंच जाएंगे ना। 50 नहीं भाई कम, कितने दिन में? 30 कभी सुबह नहीं होती क्या पानी है यार, ये यार बोट से नहीं चलते? बोट से नहीं, हम लैंड के थ्रू जाना है। दरमियान में कोई बस वगैरह मिल गई वो पकड़ के चले जाएंगे। यार वो आपको पता नहीं आई थी किंगडम में ज्यादा गाड़ी, आगे आयशो मर्सी को लगा देते हैं। इधर गया चेस्टर, कहाँ गए हो? ओ भाई मेरा नेट गंदा आ रहा है, तुम लोग किधर हो? भाई नेट गंदा आ रहा है। वो रहे ओ ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है? हेलो यार ये क्या सी हो गया यार, अब ब्लाइंडनेस ये दोबारा हो रहा है, पहले भी हो रहा भी। कहां गया आयशो? मैं पता नहीं, मैंने नोटिस किया जब भी हम किंगडम के थोड़े से दूर जाते हैं हमें ये इफेक्ट्स लग जाते हैं। किधर आयशो मर्सी? कोई सेफ जगह, कुछ लाइटनिंग गिरी है कहीं पे? गिरी है, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कुछ। नहीं लाइटनिंग गिरी है। ओह यार आयशो मर्सी तुम कुछ कर रहे हो? छोड़ो इसको, इसका ब्लैक मैन से पूछना पड़ेगा क्या, और ब्लैक मैन का ब्लैक मैन पता नहीं जिंदा होगा या नहीं। हाँ
और अगर ब्लैक पैन की डेथ होगी तो मैं इस वर्ल्ड के बारे में कोई कोई कुछ नहीं बता पाएगा। और गेट जब सामने प्लेन बायो में हम गेट ऑफ यूनिटी पता नहीं कब पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है दे दिए पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, काफी टाइम लग जाना हमें यार। एक बार मैं जगह था पूरा। आई थिंक हमें जाना चाहिए जल्दी जल्दी तेज से, कुछ ट्रांसपोर्ट फाइव करना फास्ट करना चाहिए। यार क्या भैया, एक ही लाइटर का होता है, दूसरा कोई वे है? उसके लिए हमें ग्लाइडिंग ट्राइडेंट चाहिए। जब रात होगी तो बारिश होगी तो दे जा सकते हैं वाटर बकेट से। आई थिंक ट्राइडेंट हमें रास्ते में 30 देने कहीं मिल ही जाएगा। और एन्चेंटमेंट का मसला नहीं, क्योंकि इधर आगे एक विलेज है, उन्हीं विलेजर से मेरी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। 3 साल के लिए उन्होंने मुझे एन्चेंटमेंट बुक्स दी हुई हैं, लगभग 4 लाख एमरल्ड में। यार एमरल्ड वो हमारा मैंने शॉप से बाई की थी। अच्छा। मैंने बैट लगाई थी पीवीपी में और मैं जीत गया। किधर है पांडा? यार मॉब्स बहुत ज्यादा है इस वर्ल्ड में, मैंने नोटिस किया मॉब्स बहुत ज्यादा है। मैंने तो नॉर्मल में किया था, पता नहीं। क्यूट पांडा है, छोड़ाओ चले यार। छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, चलते हैं। अभी हमें लगभग कम से कम हमें 99,000 ब्लॉक आगे जाना है। मेरा तो हाथ ही थक गया है। ओ हेलो यार, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आवाज कटली लग रहा है, तो मुझे थोड़ा दूर चले गई हो। ये रही हाँ यार, लगता है हमसे दूर चला गया है। देख के चलना, कहीं गिर ना जाना। नहीं गिरता यार, उसको भी ब्लाइंडनेस लगी होगी। वो तो वैसे ही गिर जाता, उसे लगे ना। लेकिन अब उसे हम ढूंढने नहीं जा सकते, मेरे ख्याल से वो आ ही जाएगा। आ ही जाएगा वो। ब्लाइंडनेस की आ रही है हटी हटी। ये रहा, इसको मैं मार देता हूँ। छोड़ दो यार, इग्नोर मारो। Change up.